चाहते हैं हिंद देश के निवासी सभी लोग एक है रंग रूप में भाषा का एक अनेक ये तिरंगा को लेकर हमारे बीच में है। जब भी कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में होता है जो अपने आप में प्रेरक होता है, जैसे देखने मात्र से एक रोमांच वो तिलक लगा करके मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथियों, जब मैं बाहर से आ रहा था तो एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वंदे मातरम भारत माता की जय। जबकि आवाजें राजनीति से उठ करके हर गली हर गांव में जब उठ जाए तो इस मातृभूमि को कमजोर नहीं कर सकता कितनी भी ताकत। भारत माता की जय। कल सुबह से मैं रजेश जी के साथ, मेहता जी के साथ, स्वतंत्र जी के साथ कल सुबह का हूँ और आज सीमा पे मंदिर का जो निर्माण आप लोगों से सहयोग से हुआ, एक तरफ पाकिस्तान जिसका को अता पता नहीं कि उधर पाकिस्तान है और इधर हिंदुस्तान जिसका पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान की जनता, बीकानेर की जनता, हर मेरा भाई, हर मेरी बहन, हर मेरा पिता, हर भामाशाह बना हुआ है मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए कि हम 14 बार मेरे ऊपर हमले हुए, कितने मेरे जवान शहीद हुए, 70 लोग मेरे साथ शहीद हुए, मैं कई बार मौत से बचा, पर हमने मौत का कफन बांधा था, हमने मानवता की रक्षा के लिए निकले थे, हमें कौम का गदार ये खालिस्तानी कहते थे, मैं क्या कहो, गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने छोटे साहबजादों को सिख कौम के लिए नहीं मानवता के लिए नियोजन करवाया। गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर चांदनी चौक आपने शीश को दिया था, हिंदुस्तान के लिए दिया था, मानवता के लिए दिया था, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो मानवता के लिए दिया था। हम उसकी सोच में चले, हमने कहा उन आतंकवादियों खालिस्तानियों को, आपने गुरु गोविंद सिंह महाराज, आपने गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर, आपने उन छोटे साहबजादों की कुर्बानियों का मजाक किया। कौन से इतिहास में, सिख इतिहास में लिखा है कि घर से कोई जा रहा है उसको गोलियों से मार दिया जाए, बच्चों से ट्रेनों से निकाल करके शहीद कर दिया जाए? उस वक्त एक ही नारा लगता था, पंजाब की ये पास की धरती, यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा, यहाँ कोई सेकुलर सिख नहीं रहेगा। हमने कहा था खालिस्तानियों पहली गोली पिट्टे के सीने पे लगेगी, फिर मेरे किसी और भाई पे लगेगी। हमने लड़ाई लड़ी, हिंदू सिख हमारा 9 मास का रिश्ता है, हमारी बहू बेटियां, किसी उधर की बहू बेटियां हमारे एक दूसरे के घरों में है, ये हमारे 9 मास के रिश्ते को कितना भी तोड़े ये मजबूत है, ये मजबूत रहेगा। भारत एक है,
भारत एक रहेगा, खालिस्तान ना बना था ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। आओ बताओ खालिस्तान का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ खालिस्तान का मतलब। क्या आप एक ऐसा खालिस्तान चाहते हो कि बाहर के सारा सिख समाज पंजाब में चले जाए और हिंदू भाइयों को आप निकाल दो? ऐसा खालिस्तान चाहते हैं कि आप दिल्ली के अंदर अगर रकाब खान साहब जाना है, अगर नदेड़ साहब गुरु गोविंद सिंह के स्थान पे जाना है, अगर पटना साहब गुरु गोविंद सिंह स्थान पे जाना है, अगर लखपत गुरुद्वारा साहब जहां गुरु नानक देव जी महाराज के चरण है वहां जाना है तो पासपोर्ट के जरिए भेजोगे? इनकी ऐसी की तैसी, इनकी हिम्मत नहीं ये बहस करे। बस एक ही नारा, हम खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। अपने बच्चों के अंदर ऐसा जज्बा पैदा करें ताकि आने वाला भारत इतना मजबूत भारत बने कि दुनिया इस भारत की तरफ देखे कि भारत फिर सोने की चिड़िया बन चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। हेलो सर, बताओ।